veins. I've been driving this train. Years in this lane. There's no stopping this flame. जैसे कि मैंने फाइनली आपको बताया था कि हम रात को रुके तो अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और ये देखिए बाइक भी पूरी जम गई है और ये गाड़ी में पूरी पूरी बर्फ लग चुकी है बिल्कुल ही। एंड सुबह देखते हैं अब नजारा क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए पक्षी कैसे बैठे हुए हैं, पीछे बर्फ पड़ी हुई है, सारा का सारा ग्राउंड जो है ये पूरा का पूरा बर्फ से हो चुका है। अब ये देखिए पेड़ों के पत्तियों पे भी पूरी पूरी बर्फ जमी हुई है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी, हमारी जो गाड़ी है उसमें पूरी की पूरी बर्फ जम चुकी है और नीचे ग्राउंड जो है वो है उसकी वजह से, बर्फ जमने की वजह से हम गाड़ी अब नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमें पैदल ही कुछ सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको ये बर्फ़ दिखाता हूँ कैसे पूरा का पूरा पानी रखा था भर के हमने रात को, तो पूरा का पूरा जम चुका है। लेट्स सी इट। अब देखिए बर्फ जम गया है, रात रात में नहाने के लिए रखा था, ये देखिए। ये अभी तोड़ रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, देखो अब ये निकला, देखो बर्फ टूट गया। अभी आपने देखा कैसे पूरा ड्रम हमने रात को भर कर रखा था हमने और सुबह तक वो पूरा का पूरा जम चुका था। एंड अभी हम यहाँ की लोकल जो गलियां हैं सांगला की, जो सांगला ब्लॉक है किन्नौर के अंदर, उनकी छोटी छोटी गलियों में से निकल के हमें एक पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पर लोहरी भाई और उत्सी भाई ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है जहाँ पर हम अपना सॉन्ग पूरा शूट कर सकते हैं और व्लॉग भी तैयार कर सकते हैं। ये मंदिर में थोड़े बच्चे खेलते हुए काफी अच्छा, एक मंदिर का भी नज़ारा काफी अच्छा है। यहाँ पे जो मंदिर की जो बनावट है वो लाइक एज तिब्बतियों की तरह है, जैसे तिब्बत में होते हैं मंदिर, उस तरह के मंदिर यहाँ पे बनाए हुए हैं। एंड उसके बाद हमें देख ही रहे हैं आप, ट्रैक काफ़ी हार्ड होने वाला है आगे आगे तक, तो क्योंकि बर्फीला इलाका भी है। उसके बाद हम एक लोकेशन में पहुंचे हैं, वो है ये ब्रिज। वैसे ब्रिज दो आते हैं, ये पहला ब्रिज है। एंड काफ़ी अच्छा ब्यूटी यहाँ से दिखाई देगी आपको, बहुत ही अच्छी। ये सामने के सामने बिल्कुल कैलाश पर्वत है। एंड आपको बिल्कुल ये दिख रहा है स्क्रीन के अंदर ही, आप लोगों को भी, कि ये आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। हमें भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन काफ़ी दूर, लेकिन ब्यूटीफुल नज़ारा, जैसे कि भोलेनाथ सोम वहाँ पर सामने हमारे, जैसे ये सामने आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर वास करते हैं भोलेनाथ ये, क्योंकि ये किन्नर कैलाश ही है। एंड उसके बाद हम चल रहे हैं एक पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड जो हैं। हमें यहाँ गायें दिखी जो कि बर्फ में ही चल रही हैं, जो थोड़ा बहुत उनको घास मिल रहा है। एंड उसके बाद जो मेरे फ्रेंड है वो निकल दिए हैं एक दूसरे ब्रिज की ओर। जो दूसरा ब्रिज है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और वो ब्रिज जो है वो एक टूटा हुआ ब्रिज है, बिल्कुल बीच में से ब्रेक हुआ हुआ है। तो फाइनली अब हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ, उसके बीच में हम आपको थोड़ी मस्ती दिखाते हैं, तब तक देखते रहिए। चुके हैं उसी ब्रिज पर, ये देख ही रहे हैं आप, चारों ओर बर्फ की चादर है जो कि रात को ही स्नोफॉल हुई थी। और यहाँ से नजारा देखिए, बड़ा वंडरफुल लुक, आप ड्रोन कैमरे के जरिए काफी अच्छा नजारा आपको भी दिख रहा है। आई लाइक सांगला, आई लाइक किन्नौर यार। Ice
in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. और ये एक हमने सोच लिया था बीच में कि बर्फ जो है पेड़ों पर पड़ी हुई है, इसलिए मैंने वो लात मार के नीचे गिरी तो रिवर्स आ गया था। एंड अब हम फाइनल पहुंचे हैं अब यहाँ पर, जहाँ हमें चार पांच पत्थर पड़े हुए मिले जहाँ हमें अपना शूट करना है, क्योंकि यहाँ जो है काफी ज्यादा स्नोफॉल हुई थी रात को। एंड ये देखिए अब भी हो रही है हल्की हल्की, ये कमल भाई थोड़ा लुक उठाते हुए स्नोफॉल का फिलहाल। एंड काफ़ी अच्छा नज़ारा है यार, काफ़ी अच्छी वैली है, ब्यूटीफुल वैली है ये सांगला वैली। एंड रक्चाम आपने पहले ही वीडियो में देखी थी, क्योंकि फर्स्ट हम रक्चाम ही गए थे। अभी देखिए कुछ शॉट्स, एंड यही वो वैली है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे शुद्ध वातावरण का प्लेस जो है वो है सांगला किन्नौर के अंदर। Thank you. Shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.